गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सूरज सर, आपके अपने चैनल एमसेट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? परसेंटेज रहेगा। तो आप परसेंटेज में बनाने से पहले मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है? चलो नोट करते जाओ। 100% को हम एक लिख सकते हैं, 50% इक्वल टू 1/2, 33.1/3%। ये मैं बता दूंगा कैसे करना है। सोलह तेरह 1/6 1/7। इसके बाद हो जाएगा आपका 1/8। इसे हम लिख सकते हैं 1/9। और 10% को आप लिख सकते हो 1/10। तो ये 5/9 1/11% को आप लिख सकते हो 1/11। इसका यूज़ कैसे हमें बता देना, चूँकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है जस्ट इसे आप टेबल की तरह याद कर लीजिए। जैसे हम लोग प्रेप नर्सरी वगैरह में बच्चों को सिखाया जाता है 2 के टेबल 3 के टेबल, तो उस तरीके से आप इसे समझ लो कि लाइक ये टेबल है और इसे टेबल टाइप याद करना। और इसका यूज कैसे होगा परसेंटेज में, ये मैं आगे बताता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है। तो जब वाई से एक्स 20% कम है तो 20% कम को हम कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 कैसे, अब 1/5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ दिया कि x y से 20% कम है, तो 5 में से हम 1 कम करेंगे तो 5 का 1 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है? यानी अब यहाँ सेट करो कि x कम है y से 20% कम, तो कम यहाँ कौन है, ये है 4 कम है, तो 4 हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, x कर लेंगे और इसे ये y कर देंगे, ठीक है? अब चूंकि x और y का वैल्यू आ गया तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, y माइनस x डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ x और y का अपना अपना वैल्यू डाल दो, तो y की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई, फिर वापस से y की जगह पे क्या हो जाएगा, 5। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 1/5। ये पहले वाले का वैल्यू हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ओके? तो अब x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे 4 हो गया, वापस से x के जगह पे 4-5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं -4, ओके? चलो ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के इक्वल है, दे रखा है x का 8% जो है वो क्या है, y के 4% के समान है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा है कि x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% के बराबर क्या होगा। तो अब एक चीज देखो, इसे काटो 4 × 8। अब यहां आपसे क्वेश्चन में मांगा है कि x का 20% क्या होगा, तो ये x 2x अगर ये लिखा गया, ये 2x हो जाता है, तो हम यहां पर इसे x को 20 करने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इधर कर दे 10 से, तो जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये 10 × 20 हो गया। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, x का 20% इक्वल y के 10%। यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि x का जो 20% है वो y के
10% के इक्वल है। क्लियर? चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखा, बोला कि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। मतलब x का जो मान है वो y के मान से कितना कम है, 25% कम है। तो वापस से क्वेश्चन पूछ दिया कि y का मान जो है x के मान से कितना अधिक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन होता है अगर कम में, अगर पूछ कम में अगर मान दे रखा है तो फॉर्मूला होता है कम में मान दे रखा है और आपसे आंसर मांग रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना होता है, एक्स वाई क्या करेंगे हम, x कौन सा मान हो जाएगा जो कम का मान दे रखा हुआ, ठीक है, तो लिखेंगे एक्स वाई 100 माइनस एक्स, ये जो कम वाला मान देगा उसे ही x के जगह पर रखेंगे, ठीक है, और फिर इंटू कर देंगे 100 से, तो ये जो मेरा आंसर आएगा कि इसका अधिक में वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछता कि x का जो मान है y के मान से 25% अधिक है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट कम है, तो जब इसे अधिक में फिर अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये अधिक के लिए, ठीक है ना, सॉरी अधिक में कम के लिए कैसे निकालेंगे, ये वापस से जितना परसेंट अधिक का दे रखा होगा वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 और प्लस कर देंगे, पहले वाले में कम वाले में क्या किए थे, माइनस किए थे, तो यहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस एक्स इंटू 100, तो ये क्या निकल जाएगा, वाई का मान एक्स के मान से कम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है जितना परसेंट उस हिसाब से अरेंज करते हैं। तो क्या दिया हुआ था कि एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है, तो आप क्या करो, ये कम में दे रखा है क्वेश्चन पर मैं हूं, ठीक है, तो ये जब कम में दे रखा तो यहाँ कितना लिख देंगे, x के जगह पे क्या लिख देंगे 25, और डिवाइड में हो जाएगा 100, और चूंकि कम बोल रखा तो माइनस का ये 25 लिख देंगे, ठीक है, इंटू 100। अब ये कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 25/100 में से 25 जाएगा तो कितना हो गया, 75 हो गया इंटू क्या होगा 100, अब काटो इसे 25 दिया 75 और ये कट करके कितना हो जाएगा 33 × 1/3 डिवाइड होकर के ये हो जाएगा, यानी कि y जो है x से 33.1/3% अधिक है, ठीक है। अब चूंकि देखो इसे मैं साफ कर दे रहा हूं, वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, अब इस टेबल के यूज में हम आते हैं, ठीक है, क्या दिया था, x जो है y से 25% कम बोल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि y x से कितना अधिक है, तो अब आप एक काम करो, ये जो टेबल जो याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है, इस टेबल का यूज देखो आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, ये तो फॉर्मुलेट किए आप ऐसे तो आंसर वो आपका आया था, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, अगर x का मान y के मान से 25% कम बोल रहा है तो आप 25% को यहाँ पर देखो, ठीक है, अब चूंकि 25% कम बोल रहा है तो हम कम देख लेंगे कि 25% अगर मेरा कम है तो ज्यादा में वैल्यू मांगा तो ज्यादा में हम क्या करेंगे, एक अप हो जाएंगे, ठीक है, यानी वाई जो है एक से कितना अधिक हो जाएगा, 33.1/3%, ठीक है। तो इसे कैसे इसका आंसर आ जाएगा, बस ये 25% दिया कम में तो मैक्सिमम वाले में क्या हम देख लेंगे, 33.1/3 जो है ये y अधिक हो जाएगा x से। अब चूंकि अगर इसी को दे देता बोलता कि 25% जो है अधिक है, x का जो मान है x जो है y से कितना 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, तो अब चूंकि इसको अधिक बताया जा रहा है तो अधिक बता रहा है तो हम क्या कर लेंगे, इस 25% को अधिक में रख लेंगे, ठीक है। तो 25% जब अधिक होगा तो कम का बात किया कि x y जो है x से 25 कितना प्रतिशत कम होगा, तो आप क्या करो नीचे आ जाओ यानी कि 20% कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके इस टेबल का यूज है और बाद बाकी क्वेश्चन के हिसाब से ये हम देखते चलेंगे इन सारे का यूज कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो इसे भी क्लियर करो, अब अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से
क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के बजाय वो किस अंक से गुना कर देता है, 3/5 से गुना कर देता है। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है कि जब चूंकि इस संख्या से गुना करना है, लेकिन वो गुना किस संख्या से कर रहा है स्टूडेंट, इस संख्या से गुना कर रहा है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएगा, मिस्टेक जो होगा वो कुछ ना कुछ आएगा। तो उस परिकलन का जो मिस्टेक जो हो रहा है, उस परिकलन का जो त्रुटि पूछ रहा है, वो परसेंट में पूछ रहा है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इधर इसके डिनोमिनेटर जो दे रखा है दोनों का इंटरचेंज करके आप गुना कर दो। इधर हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, और इधर आप 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो अभी इसमें कितना हो गया, अब जब चूंकि इधर 5 से गुना किया तो इधर भी आप 5 से गुना कर दो, इधर भी आप 3 से गुना कर दो, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, और नीचे में कितना हो गया, 15। डिनोमिनेटर जो दोनों का है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3×3=9, और ये कितना हो गया, 15। अब अगर परिकलन में त्रुटि निकालना चाहेंगे तो 25 में से 9 गया तो कितना हो गया, 16/15। ये मेरा यही जो है त्रुटि हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का हम डिफरेंसेस कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 16/15 है। अब चूंकि त्रुटि परसेंट मांगा है, तो त्रुटि परसेंट का फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हो, 16/15 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या, ये जो पहला संख्या जो दे रखा था 5/3 वो स्टार्ट का संख्या लिख दो, चूंकि गुना इसी संख्या से करना था। ठीक है, तो आप 5/3 लिख दो। अब इसे आप अरेंज कर सकते हो इस तरीके से, 16/15, ये 3/5 है, तो 5 यहाँ हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू ये 100। ठीक है, काटो 3×5=15, और ये हो गया 50, 25, 25×100 हम कर देंगे, 25×100 यानी 64% का जो ये परिकलन त्रुटि जो आएगा 64% हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है दे रखा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे बनाते हैं बताते हैं। क्वेश्चन है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ दे रखा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब चूंकि अधिक में बोला है तो हम 5 में 1 ये जोड़ देंगे, यानी 5×6 हो जाएगा। तो अब सी की आय अधिक बताया जा रहा, यानी बी है और सी है। ठीक है, तो सी की आय अधिक बताया जा रहा, तो सी को 6 कर लो और ये 5 कर लो, मतलब 1/5 लिखे थे तो 5×6 लिखेंगे, यानी बी और सी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5×6 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है कि बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय जो है वो क्या है, ए की आय से 25% अधिक है। तो 25% को हम कितना लिख सकते हैं, 25% को देखो यहाँ लिख रखे हैं 1/4 लिख रखे हैं, अधिक जब बोला ना बच्चों तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम 4 में 1 अधिक जोड़ देंगे, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बी का ए के बारे में कैसे लिखेंगे, बी की आय अधिक बताया तो हम बी को क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, और ए को कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, यानी बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी देखो आप बी अधिक है किससे, ए से अधिक है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब क्या करना है, ए बी और सी का हम क्या निकाल देंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, इसको आप अरेंज कर लो इस तरीके से, ए और बी, ए बी के जो इसे हम उलट करके लिख सकते हैं, ए बी, तो ए बी को हम कितना लिख सकते हैं, 4×5 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रहा आप इसे इधर लिख लो, ए और बी का रेशियो हम कितना लिख लेंगे, 4×5 लिख लेंगे, और बी और सी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 5×6 दे रखा है, 5×6 दे रखा है। तो इसे ए और बी सी के रेशियो में आप निकालो, ए बी सी में लिख लो, ठीक है, ए बी सी के रेशियो निकालो। तो इसे कैसे करेंगे, इसे आपस में ऐसे गुना करो, 5×20 ये 50, 25 और ये कितना, 6×5=30। तो आप इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये 6 हो गया, यानी ए बी और सी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ लिख लो ए बी और ये सी, ए बी सी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप देखो ये हो गया मेरा सी, ठीक है, ये सी हो गया,
और ये a हो गया। तो परसेंटेज में पूछा है कि कितना अधिक है, तो आप यहां पहले देखो, यहां आप देखो कि c जो है a से कितना अधिक है, c a से कितना अधिक है, दो अधिक है, ठीक है। और चूंकि बोल रहा है परसेंट में निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सी अधिक है ना, सी दो अधिक है, किससे अधिक है भाई, तो चार से अधिक है, ए से अधिक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फोर इंटू क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए ये हंड्रेड लगा देंगे, ठीक है। तो ये काटो, चार दूना आठ और ये दो से कट गया फिफ्टी टाइम, यानी कि सी जो है ए से कितना अधिक है, फिफ्टी परसेंट अधिक है, ठीक है। इस तरीके से करके ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कर लेंगे, ओके। चलो ठीक है, इसे आप नोट कर लो और ये सब रफ है, चलो ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके।